वेलकम टू माई चैनल गाइस। और मैं इस वक्त हूँ साकरी में और आपको दिखाने वाली हूँ साकरी की स्नोफॉल। अगर आप केदारकंठा ट्रैक में आना चाहते हैं तो ये वक्त बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि स्नोफॉल हो चुकी है और सूरज भी आ गया है। देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है और पूरी तरीके से जम चुका है, और ये है बर्फ़ की मोटी परत। ओह माय गॉड, और इसके अंदर भी पानी जम चुका है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा है और स्लिपरी भी। तो दोस्तों, जब हमारे घर में पानी नहीं आता है तो दिखाती हूँ मैं हम पानी कहाँ से लेकर आते हैं। यहाँ पर हर समय पानी आता है। यहाँ रास्ते काफी ज्यादा स्लिपरी हो गए हैं, तो चलते हैं हम साकरी के खूबसूरत मंदिर की ओर। तो दोस्तों, मेरे पीछे रहा यहाँ का खूबसूरत भैरव देवता टेंपल। चलो मैं आपको इसे करीब से दिखाती हूँ। इसके गेट में सिक्के लगे हुए हैं पूरे, बहुत ही ज्यादा प्यारा है। दोस्तों, आपने साकरी का टेंपल तो देख लिया, और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ सौंड गांव में, और वो भी बहुत खूबसूरत है। और वहाँ एक बहुत फेमस टेंपल है सोमेश्वर महादेव का, तो चलते हैं। तो दोस्तों, साकरी से सौंड तक जाने के लिए मेन रोड भी है, पर हम यहाँ पतली सी पगडंडी से होके जा रहे हैं। अब व्यू देखिए जरा, वाओ, बहुत खूबसूरत है। इस पहाड़ के पीछे उस ओर यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, जिसका नाम जखोल है, और सौंड उस तरफ है, और केदारकंठा उस तरफ, जो कि नहीं दिख रहा है अभी। तो इस रास्ते के तो अपने अलग ही मज़े हैं। आप साकरी से सौंड गाड़ी से भी आ सकते हो बाय रोड, पर ये जो छोटा सा रास्ता है जहाँ से गाड़ी नहीं आ सकती, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये जो नीचे रास्ता जा रहा है, ये नीचे गांव को जा रहा है, और हम ऊपर जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, मेरी मानो तो केदारकंठा आने का ये सबसे ज़्यादा बेस्ट समय है, और मौसम जिस हिसाब से खुला है तो मुझे नहीं लगता और बर्फ़ गिरेगी। बट जब तक ये बर्फ़ है, आ जाओ भी, घूम लो यहाँ पे, क्योंकि ये पिघल जाएगी फिर बर्फ़ नहीं गिरेगी। तो हम पहुंच चुके हैं सौंड गांव के फेमस
सोमेश्वर देवता टेम्पल में। और ये रहा सौंड गांव। और यहाँ से आता है पूरे गांव का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। वाओ, और यहाँ से दिख रही है स्वर्गरोहिणी। ये देखिए, ये जो पीछे पीक दिख रही है आपको, 4 मैसिव, वही।